रिलीज के पहले सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है मुसीबत में गिरती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एमएनएस के चीफ राज ठाकरे ने मुंबई के सिनेमाघर मालिकों और फिल्म के निर्माता को एक धमकी भरा लेटर भेजा है। राज ठाकरे ने कहा है कि यदि मराठी फिल्म देवा को प्राइम टाइम पर नहीं दिखाया गया, वह सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है को महाराष्ट्र के किसी भी थिएटर में नहीं चलने देंगे। राज ठाकरे के मुताबिक सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है की वजह से देवा को सिनेमाघरों में जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में ही मराठी फिल्मों को जगह नहीं दी जाएगी तो हम यहां पर कोई भी हिंदी फिल्म चलने नहीं देंगे। बता दें मराठी फिल्म देवा भी इसी शुक्रवार रिलीज हो रही है, लिहाजा एमएनएस प्रमुख का कहना है कि दोनों फिल्मों के बीच बराबर के स्क्रीन का बंटवारा होना चाहिए वरना सलमान खान की फिल्म को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों कमेंट करें राज ठाकरे के इस बयान पर आप क्या कहना चाहोगे। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।